बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री श्री बाबा महाराज की जय श्री राधा मान बिहारी लाल की जय श्री राधा रास बिहारी लाल की जय श्री कहवरवन धाम की जय श्री बरसाना धाम की जय चौरासी कोस ब्रज मंडल धाम की जय समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय अखिल गौवंश की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय 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 श्री राधे। जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे Go
श्री राधा माधव युगल सरकार की परम कृपा से श्रीमद् भागवती वार्ता का रसास्वादन करने का सौभाग्य इस सुंदर मंदिर परिसर में अनेकानेक वैष्णव भक्तों के समूह के मध्य हम सभी को अत्यंत यह दुर्लभ अवसर कथा श्रवण का प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवती वार्ता जिसके विषय में लिखा है तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। चूंकि भागवत साक्षात श्री भगवान का ही प्रतिरूप है, उनकी वांग्मयी प्रतिमा है, इसलिए भागवत जी का सेवन, इसका श्रवण, वाचन और दर्शन मात्र से जीव परम कल्याण को प्राप्त होता है। वस्तुतः भागवत कोई ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवत जी के रूप में साक्षात श्री भगवान की सन्निधि ही हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और इस कथा चर्चा के माध्यम से विशेष रूप से गौ सेवा, गौ महात्म्य का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। श्रवण से अगर जीवन में अवधारणा नहीं बनी तो वह श्रवण बेकार है। श्रवण होता है अवधारणा के लिए, अवधारणा यानी एक निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम अवधारणा है। श्रुत विषय को, सुनी हुई बातों को धारण करके उनको क्रियात्मक करने के लिए हमारी बुद्धि निश्चित हो जाए तभी समझना चाहिए कि श्रवण सार्थक हुआ, सफल हुआ। और जिस श्रवण से धारणा ही नहीं बनी, बुद्धि व्यवस्थित ही नहीं हुई, किसी सत्कार्य शुभ कार्य के लिए बुद्धि अग्रसर नहीं हुई, तो ऐसा सुनना किस काम का। इसलिए प्रथम तो ध्यान पूर्वक सुने और श्रवण के बाद उस श्रुत विषय को पूर्ण रूप से धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कल कथा का प्रसंग चतुर्थ स्कंद श्री ध्रुव जी और पृथ्वी जी के चरित्र तक हुआ था। श्री पृथ्वी जी महाराज के द्वारा गौ रूपा पृथ्वी का दोहन हुआ। गौ रूपा पृथ्वी देवी ने श्री पृथ्वी जी को उनकी इच्छित वस्तुएं जो चाहिए था वो सब प्रदान किया। यह बात यह स्पष्ट करती है कि गौ सेवी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है या कोई प्राप्ति असंभव नहीं है। जो पृथ्वी जी महाराज ने चाहा वह गौरूपा पृथ्वी ने उनको प्रदान किया। गौ विज्ञान की स्थापना पृथ्वी जी महाराज के प्राकट्य से हुई,
इसके पूर्व में पृथ्वी व्यवस्थित नहीं थी, बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, समतल नहीं थी। पृथ्वी जी महाराज ने अपने बाण की नोक से पृथ्वी के ऊंचे नीचे भाग को तोड़कर समतल किया, गांव की व्यवस्थाएं की, नगर पुर शहर बसाए, पंच पंचायत की व्यवस्था की, खेत खलिहानों की व्यवस्था की। बहुत व्यवस्थित सृष्टि श्री पृथ्वी जी महाराज के शासन काल में रही। चूंकि पृथ्वी जी स्वयं भगवदावतार हैं, स्वयं बड़े भक्त हैं, जिस समय भगवान इनसे प्रसन्न हुए हैं और वरदान मांगने के लिए कहे हैं, तो पृथ्वी जी के विषय में बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। करणायुत मेष मेवरह नकामये नाथ तदप्यहम क्वचन। भगवान ने कहा, पृथ्वी जी आज आप जो चाहते हैं हमसे मांग लीजिए। पृथ्वी जी ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आप मोक्ष देने में भी समर्थ हैं, लेकिन मुझे आपसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, न काम ये, मैं वह भी नहीं चाहता हूँ। तब आपको चाहिए क्या? बोले, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। मोक्ष में इतना ही सुख है कि बार बार जन्म मरण का संकट, जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा, पर मोक्ष में आपके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने का सुख नहीं है। नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। आपके चरण कमलों का मकरंद का आस्वादन करने का मुझे अवसर मिल जाए, इसके लिए महत्मांतर हृदयान्मुखच्युतो, ऐसे महत्पुरुषों का आप मुझे संग प्रदान कर दें जिनके हृदय में, जिनका चित्त एक क्षण के लिए भी कुंठित नहीं होता है और जिनके हृदय में अखंड रूप से आपके चरण विद्यमान रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का पद है, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। बहुत सुंदर भाव गोसाई जी ने कहा, हरि पद विमुख लयो न काहू सुख, सठ यह समुझ सवेरो। अरे मूढ़ मन, भगवान के चरणों से विमुख होकर आज तक संसार में किसी ने कोई सुख पाया नहीं। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता बहवो ताहू केरो, तेही पुर सुजस घनेरो, तजे चरण अजहू ना मिटत नित बहवो ताहू केरो। यद्यपि गंगा जल सबसे पवित्र है, ठाकुर जी के चरण धोवन ही गंगा जल बनी, चरणामृत ही गंगा जल बना, भक्तों में और गंगा जी में इसी बात की विशेषता है। गंगा जी तो ठाकुर जी का चरण धुला और गंगा जल वहां से बह गया, प्रवाहित हो गया, और गंगा जी जब से ठाकुर जी के चरणों से अलग हुई तो आज तक निरंतर बह रही हैं। पर भक्तों की विशेषता गंगा जी से अधिक इसलिए है, गंगा जी चरण से निकलकर अब बह रही हैं, पर भक्त कभी चरण से निकले ही नहीं, वे अखंड रूप से भगवान के चरणों में ही प्रतिष्ठित हैं, वहीं विराजित हैं। इसलिए गंगा जी बह रही हैं और भक्त को आज तक किसी ने बहते हुए भागते हुए देखा सुना नहीं होगा। इसलिए भक्तों की विशेषता अधिक है। तो महत्मांतर हृदयान मुखच्युतो, पृथ्वी जी महाराज ने मांगा भगवान से, आप मुझे ऐसे महापुरुषों का संग दे दें जिनके हृदय में अखंड रूप से आपके चरण कमल विराजमान है, और जब वे प्रसन्न होकर कोई भाव अपने मुख से कहें तो आपके चरणों को छूते हुए उनकी परापश्यंती वाणी, वैखरी वाणी जब मुख से निकलेगी, तब वह वाणी जिन जिन अणुओं का स्पर्श कर लेगी, उस मुख से जो वाणी के साथ हवा निकलेगी, वह हवा जिन जिन का स्पर्श कर लेगी, उनके हृदय में भी आपके चरण कमल प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कथा श्रवण से विशेष लाभ यही है। भगवत जन जब कथा कहते हैं, उनके हृदय में जो श्री ठाकुर जी विराजित हैं, कथा के माध्यम से वक्ता के मुख से निकलकर और श्रोता के कर्ण द्वार से होकर श्रोता के हृदय में भी भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये श्रवण का विशेष लाभ है। तो आप कृपा करें,
हमें और कुछ नहीं चाहिए पर करुणायुत मेष मेवरह, 10,000 कान दे दें। 10,000 कान से मतलब हमारा रोम रोम श्रवण की अभिलाषा करें, हमारे रोम रोम को भगवत कथा कीर्तन सुनने की इच्छा हो, और निरंतर सुनने के बाद भी कभी मन भरे नहीं, कभी मन तृप्त न हो। पृथ्वी जी महाराज ने ऐसी चीज मांगी जो आज तक कभी किसी ने मांगी नहीं। श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और पृथ्वी जी महाराज को सत्संग सुख दे दिए। अब पृथ्वी जी महाराज को कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बैठकर सुनते हैं, और कोई सुनाने वाला ना मिले तो सारी प्रजा को बिठाकर स्वयं ही कथा कहते हैं और सब प्रजाजन सुनती है। निरंतर सत्संग सुख प्राप्त होने लग गया। ऐसे श्री पृथ्वी जी महाराज, इन्हीं के वंश परंपरा में आगे चलकर राजा प्राचीन वरी हुए हैं, जिनको नारद जी की कृपा से भक्ति तत्व का ज्ञान हुआ, और प्राचीन वरही से प्रचेता आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनको शंकर जी की कृपा से कृष्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई है, कृष्ण सिद्धि हुई है। तो इस तरह से उत्तानपाद का वंश वर्णन विदुर जी महाराज को सुनाया मैत्रेय जी ने, साथ ही इनके भाई श्री प्रियव्रत जी महाराज का वंश वर्णन भी विदुर जी को मैत्रेय जी ने श्रवण कराया। महाराज उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए यह वंश धन्य हुआ, और प्रियव्रत जी महाराज के वंश में श्री ऋषभदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, श्री जड़भरत जी महाराज का प्राकट्य हुआ, इसलिए यह वंश बड़ा धन्य हुआ। प्रियव्रत जी महाराज से आग्निद्र, उनसे नाभि और नाभि के यहाँ ऋषभदेव जी का प्राकट्य हुआ। ये ऋषभदेव जी स्वयं भगवान ही हैं, अवतरित होकर आए हैं, स्वयं भगवान ही अवतार लिए हैं। और ऋषभदेव जी ने एक ऐसा आदर्श रखा है, एक आदर्श पिता को, एक आदर्श राजा को, एक आदर्श गुरु को, एक आदर्श पति को, किस तरह के आदर्श स्थापित करने चाहिए वो सब स्वयं ऋषभदेव जी ने कहे नहीं, करके दिखाए। एक ही व्यक्ति कितने धर्मों का पालन कर सकता है? पिता है तो एक आदर्श पिता का धर्म रख सकता है, जब वह पति है तो एक आदर्श पति का कर्तव्य पालन उसे करना चाहिए, अपने माता पिता के सन्मुख उसे एक आदर्श पुत्र का आचरण करना चाहिए, शिष्य जन है तो उसे आदर्श गुरु बनकर सुंदर शिक्षा उपदेश देनी चाहिए। ये ऋषभदेव जी ने स्वयं करके दिखाया। 100 पुत्र हैं ऋषभदेव जी के, और 100 के 100 पुत्रों को एक जन्म में भगवत प्राप्ति करा दी। केवल एक सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, उनको 3 जन्म में भगवत प्राप्ति हुई, उसका भी विशेष कारण था। ऐसा पिता हो, सबके सब पुत्रों को एक जन्म में भगवत प्राप्ति करा दी। एक समय ऋषभदेव जी संपूर्ण प्रजा और अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मावर्त क्षेत्र में बैठे हुए थे। ऋषभदेव जी ने अपने सभी पुत्र और प्रजाजनों को संबोधित करते हुए उपदेश दिया, हे पुत्रों, हे प्रजाजनों, यदि आप मुझे एक सच्चे पिता के रूप में या एक सच्चे राजा के रूप में देखते हैं तो आप कृपा करके हमारी इन आज्ञाओं का पालन अवश्य करें। नायम देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम। ये मनुष्य जीवन देह भाजाम शरीरधारियों को ये शरीर कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये एक विष्ठाभोजी शूकर की भांति, जैसे एक शूकर को विष्ठा खाने में जो सुख मिलता है वही एक मनुष्य को लड्डू पेड़ा खाने में सुख मिलता है, उससे ज्यादा थोड़ी मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सरिस स्वान मघवान युवानु, विषय का सुख लेते समय एक कुत्ते की स्थिति, एक मनुष्य की स्थिति और इंद्र की स्थिति बराबर हो जाती है। विषय का सुख लेते समय
ना इंद्र बड़ा है ना कुत्ता छोटा है, ना मनुष्य बड़ा है ना कुत्ता छोटा है, तीनों की अवस्था समान, सरस माने समान, स्वान माने कुत्ता, मघवान माने इंद्र और युवान माने एक युवक पुरुष। एक शूकर को विष्ठा खाने में जो सुख है, वही एक मनुष्य को अच्छे अच्छे पदार्थ खाने में सुख मिल रहा है। एक शूकर को विषय का आनंद लेने में, इंद्रिय तोषण में जो सुख है, वही एक पुरुष को, एक शूकर को शूकरी के साथ जो सुख मिलता है, वही एक पुरुष को स्त्री के साथ, उससे ज्यादा नहीं है। और वही सुख इंद्र को स्वर्ग की अप्सराएं और देवांगनाएं भोगने में मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। ऐसा तुच्छ सुख है, सुख है विषय का सुख। इसलिए श्रीमद् गीताजी में भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। संसार के जितने भी विषय हैं, विशेष रूप से संस्पर्शज विषय, ये दुख की योनियां हैं। आज तक इनको, इसके परिणाम में किसी को सुख मिला नहीं। हमारे वृंदावन के बहुत बड़े रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उनकी परंपरा में एक आचार्य हुए बिहारन देव जी। बिहारन देव जी ने कहा है, विषय का सुख खुजली की भांति है, बिहारन दास सुख विषय को ज्यो नख नेक खुजाए, विष ब्योरे सब अंग में पाके फटे पिराए। बिहारन देव जी कह रहे हैं, जैसे शरीर में कहीं खुजली हो तो खुजली को खुजाते समय तो बड़ा मीठा मीठा सुख मिलता है, लेकिन खुजा लेने के बाद वह वहाँ से व्रण निकलता है, वहाँ से रक्त निकलता है, फिर पीड़ा होती है, जलन होती है, कष्ट होता है। तो खुजाते समय तो खुजली का सुख बहुत अच्छा है, लेकिन खुजा लेने के बाद वह बहुत कष्टप्रद हो जाता है। ऐसे ही संसार के जितने भी इंद्रियों के विषय सुख हैं, चाहे वह आँख का है, चाहे कान का है, अब निंदा है, सुनते समय तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम जानते नहीं है कि इस सुनने का कितना घातक परिणाम हो सकता है। आँख है, उससे उल्टा सीधा देखने समय सुख लगता है, पर बाद में वह पीड़ा प्रद होता है। इसी तरह जीव है, खाते समय तो वस्तु बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसको खाने से बहुत बार जो चीज़ें शरीर को हानि भी करती हैं, वो भी जीव के चटोरेपन में हम लोग खा जाते हैं। पर खाते समय तो बहुत सुख मिलता है, पर खाने के बाद बड़ा कष्ट होता है। तो विषय का सुख खुजली के सुख की तरह है, जो खुजाते समय अच्छा लगेगा पर उसके बाद बहुत कष्टप्रद होता है। बिहारिन दास सुख विषय को ज्यो नख नेक खुजाए, विष ब्योरे सब अंग में। अब खुजा तो लिया, अब खुजाने से सारे शरीर में जहर फैल गया, फिर पाके फटे पिराए, फिर वो पकेगा, फिर वो दर्द करेगा, पीड़ा करेगा। तो ऋषभ देव जी महाराज कह रहे हैं, कष्टान कामान अरहते विडभुजामी। जो विषय सुख परिणाम में अनंत काल के लिए दुख देने वाला है, और जो विषय सुख मनुष्य को एक नारकीय योनि में भी बिना प्रयत्न के मिलने वाला है। एक शूकर को भी विषय सुख के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, वहां भी शूकरी मिल जाती है। एक श्वान को भी विषय के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, वहां भी उसे विषय सुख। एक मल के कीड़े को भी विषय सुख के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, वहां भी उसे वह भोग का सुख मिल जाता है। और वही सुख की इच्छा अगर मनुष्य शरीर पाकर कोई करे, इच्छा ही नहीं उसके लिए यत्न करे, प्रयास करे, तो ये बहुत बड़ी अपनी हानि है, बहुत बड़ी मूढ़ता है। सूरदास जी महाराज ने कहा, विषय रस पान पीक सम त्याग। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो विषय के सुख को या सुख की इच्छा को पान की पीक की तरह छोड़ दिया जाए। जैसे पान खाने वाले लोग खाते हुए पान की पीक जहाँ थूक देते हैं, फिर थूकने के बाद उसकी ओर देखते थोड़े ही हैं कि पीक का क्या हुआ, कोई देखता नहीं है। पान की पीक की तरह एक झटके में विषय का सुख छोड़ देना चाहिए। और जो नहीं छोड़ सका, हम लोगों को विषय नचा लेते हैं। होना तो यह चाहिए
इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना संयम, इतनी समाहितता चित्त में होनी चाहिए कि हम जहाँ चाहें वहाँ इंद्रियाँ जाएं, जबकि ये छोटी छोटी सी इंद्रियाँ इतने बड़े बड़े शरीरों को नचा लेती हैं। छोटी छोटी इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, छोटी छोटी इंद्रियाँ हैं और पूरे के पूरे छः छः फुट के शरीर को नचा लेती हैं। सूरदास जी ने कहा, विषया जात हर्षोगात, बरज रहे सब कयो न मानत, उड़ी उड़ी जतन करात। विषय की प्राप्ति के लिए जीव इतना यत्नशील होकर लगता है, इतना यत्नशील होकर उड़ी उड़ी जतन करात, उड़ उड़ के पहुंच जाता है। बरज रहे सब कयो न मानत, शास्त्र बरज रहे हैं, मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी उड़ उड़ के पहुंच जाता है। एक विषयांध जीव की स्थिति कैसी हो जाती है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस समय प्रारंभिक जीवन में विषयाशक्ति थी और वह भी केवल एक लोक शिक्षा की दृष्टि से थी, ये तो सब अवतरित महापुरुष हैं, तो प्रारंभ में जब विषयाशक्ति की स्थिति थी तो अपनी पत्नी रत्नावती के पीछे भाई लेने आया, दौड़ पड़े, आधी रात को पहुंच गए। बिल्वमंगल जी महाराज की विषयाशक्ति की अवस्था में चिंतामणि वैश्या के पास पिता के श्राद्ध के दिन ही और कृष्णवेना नदी में कूद गए। न मौत का डर, न कोई बहने का डर, न डूबने का डर, कोई डर नहीं। पतिव्रता पति परायणा सती साध्वी स्त्री कूद गई, नदी का जल बढ़ा हुआ, बेचारी डूब कर मर गई, तो उसके शव पर बैठकर उन्होंने नदी को पार किया बिल्वमंगल जी महाराज ने। कैसी स्थिति विषयांधता में हो जाती है। फिर जहाँ चिंतामणि का महल था, कोठा जहाँ बंगला था, वहाँ पहुँचे तो मध्य रात्रि है, अब कौन दरवाजा खोले, एक सर्प लटक रहा था। ऐसा लगा उस विषयांधता में जैसे चिंतामणि ने ही कोई रस्सी फेंकी है बंगला पर चढ़ने के लिए और काले सर्प को पकड़कर उसके सहारे बंगला की छत पे कूद गए। ऐसी विषयांधता। श्री नंददास जी महाराज के जीवन में जिस समय वैश्य स्त्री के रूप पर वे मोहित हुए हैं, मना करने के बाद भी वैश्य परिवार को घर छोड़ना पड़ा। श्री गोवर्धन जतिपुरा में आ गए गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज के पास। विषयांधता ऐसी अंधता है कि बरज रहे सब कहो न मानत, शास्त्र बरजें, गुरुजन मना करें, श्रेष्ठ जन मना करें, बड़े लोग मना करें, लेकिन बरज रहे सब कहो न मानत, उड़ी उड़ी जतन करात, विषया जात हर्षोगात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद है, जब हम लोग इंद्रियों के आधीन होकर नाचते हैं, आंख नचा देती है, कहीं रसना नचा देती है, कहीं कान नचा देता है, तो उस समय ये इंद्रियां हमारे तुम्हारे ऊपर हंसती हैं कि देखो हम छोटी छोटी इंद्रियों ने इतने बड़े बड़े शरीरों पर विजय प्राप्त कर ली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद है, हंसो इन इंद्र निज बस है ना हसई हो, अब ना नसई हो। जब इंद्रियों के वश में जीव हो जाता है तो इंद्रियां हंसती हैं, देखो हमने इसको वश में कर लिया। और जब हमारे अधीन इंद्रियां हो जाएंगी तो हम इंद्रियों पर हंसने की सामर्थ्य रख सकेंगे। जैसे बिल्वमंगल जी महाराज जिस समय उन्होंने अपने नेत्र फोड़े हैं तो वहां भक्तमाल में प्रियादास जी महाराज ने लिखा है, दृग भूत सो छुड़ाए दियो,
बिलो मंगल जी ने अपने आप को आंख रूपी भूत के चक्कर से छुड़ा लिया। यदि ये इंद्रियां श्री ठाकुर जी के सम्मुख ले जाने वाली हैं, तब तो ये परम प्यारी हैं, अन्यथा ये भूत का काम करने वाली हैं, भूत हैं। दृग भूत सो छुड़ाए दिया, आंख भूत है, ये रसना भूत है, कान भूत है, दिन रात अपने चक्कर में जीव को लिए हुए हैं दिन रात। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अब तक हम खूब नाचे इंद्रियों के नचाए, पर अब नहीं नाचेंगे, अब हम जैसे कहेंगे वैसे इंद्रियां नाचेंगे। परबास जानी हंस्यो इन इंद्रन निज बस सही हो अब ना न सही हो अब लो न सानी अब ना न सही हो। अब तक नष्ट हुए पर अब नहीं नष्ट होंगे। अब तक यह मन शूकर था, और शूकर कहाँ मुंह मारता है, शूकर तो मुंह विष्ठा में ही मारेगा, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहने, अब मैंने अपने मन को भ्रमर बना दिया, अब शूकरी वृत्ति छोड़कर भ्रमर वृत्ति इस मन ने धारण कर ली है। भ्रमर विष्ठा में मुंह नहीं मारता, भ्रमर तो पुष्प के मकरंद का ही आस्वादन करता है, और भ्रमर भी कैसा, सामान्य पुष्प का मकरंद लेने वाला भ्रमर नहीं। मन माधुकर मन के तुलसी रघु पति पद कमल बसई हो अब नान सई हो। राम जी के चरण रूपी कमल जो हैं, चरण कमलों का ये मन भौरा बन गया है। अब इस मन रूपी भ्रमर को जब भी मकरंद का रस लेना होगा तो श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का ही रस लेगा, और कोई रस नहीं लेगा। अब लो नसानी अब ना नसई हो। मन भ्रमर बन जाए ऐसी स्थिति कब जीवन में होगी। राम कृपा भवन शास रानी जागे पुनिना डसई हो अब ना नसई हो। केवल श्री राम जी कृपा कर दें, श्री रघुनाथ जी कृपा कर दें, तो संसार का अंधेरा दूर हो जाए। भव निशा सिरानी, भवसागर की ये भयानक रात चली जाए। रात क्या है, 84 लाख योनियां रात्रि हैं, और केवल मनुष्य जीवन ही सवेरा है। रात में नहीं जगे कोई बात नहीं, पर सवेरा होने पर भी नहीं जगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान। और ये सवेरा भी ऐसा है जो 84 लाख योनियों की रात्रि के बाद ही आता है, ऐसा नहीं हम जब चाहेंगे जब सवेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद श्री ठाकुर जी कृपा करें तब जीवन में सवेरा होता है, मनुष्य शरीर मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, सत्संग आदि का सुख सहज में उपलब्ध हो जाता है। ऐसे समय में भी यदि हमने स्वयं को जगा नहीं सके तो फिर कब जगेंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पुनी ना डसई हो। जाग जाइए फिर सोने का नाम न लें, यही बात ऋषभ देव जी महाराज कह रहे हैं। कष्टान कामान अरहते विड़भुजाम ये, अरे जो विषय
शूकर कुकर बनकर भी हम भोग चुके हैं। बहुत कठिनाई से मनुष्य जीवन मिला है, उसमें उन्हीं विषयों के सुख की इच्छा और उसकी आशा लगाए क्यों बैठे हो। तपो दिव्यम, मानव जीवन पाकर दिव्य भजन करें। पुत्र का ये न सत्वम, अगर सच्चे बेटा हो तो दिव्य भजन करो, अंतःकरण शुद्ध होगा और ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम कृष्ण प्रेम का आविर्भाव होगा, भगवत प्रेम का जन्म हो जाएगा। शुद्धांतःकरण में ही कृष्ण प्रेम होगा, विषयों से दूषित चित्त में कृष्ण प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन का सच्चा लाभ लिया जाए, सच्चा लाभ। और वो सच्चा लाभ क्या है, आज तक हम लोग परमार्थ की बातें करते हैं, हम लोग आज तक अपना सच्चा स्वार्थ भी नहीं समझे। सच्चा स्वार्थ क्या है, जीव का सच्चा लाभ क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लाभ की कछु हरि भगति समाना, 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 जेहि गावहिं श्रुति संत पुराणा, जेहि गावहिं श्रुति संत पुराणा। भगवान की भक्ति से बढ़कर जीवन का कोई लाभ नहीं है, इससे बढ़कर जीव का कोई सच्चा स्वार्थ नहीं है। हम लोग अपना स्वार्थ अपना लाभ भी नहीं समझ पा रहे हैं, दिन रात अपनी हानि कर रहे हैं, अपने आप से अपने आप का हनन कर रहे हैं। हानि की कछु छोड़ दिया, छोड़कर देखा नहीं कभी, यही सबसे बड़ा लाभ है।
सुभग शरीर है, वही सबसे पवित्र, वही सबसे सुभग माने सुंदर देह है, वही सफल है, वही सार्थक है, जो तन पाय भजहि रघुवीरा। तपो दिव्यम, दिव्य भजन करिए इस शरीर से जितना हो सके, और नहीं तो फिर 84 लाख योनियों की रात्रि आने वाली है। सवेरा हुआ नहीं जाग सके तो रात में जगने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर भी हम लोग सोए हुए हैं, ऋषभ देव जी महाराज ने जो उपदेश दिया है, उपदेश में सबसे पहली बात विषय त्याग। बिना इस त्याग के घर द्वार भी छोड़ दिया तब भी साधन भजन बन नहीं पाएगा। सबसे पहले साधक की विषय के प्रति दोष दृष्टि हो जाए। जहां से राग हटाना है, जहां से मन हटाना है, उसके प्रति हमारी दोष बुद्धि हो जाए। राग कब होता है और द्वेष कब होता है? राग होता है गुण बुद्धि करने से और द्वेष होता है दोष बुद्धि करने से। जहां हमारा राग है वहां हमें गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे। 1000 दोष होंगे तो भी हमें गुण ही दिखेंगे। विषय में राग है तो विषय में चाहे जितना दोष हो पर हमें गुण ही दिखाई पड़ेगा। लड्डू भले ही खा के जान चली जाए, मर जाए, पर फिर भी फीका तो नहीं लगेगा, लगेगा तो मीठा ही लगेगा, तो अच्छा ही, जीव को बहुत सुख मिलेगा। जहां राग होता है वो चीज कभी बुरी नहीं लगती, उसके प्रति गुण बुद्धि। गुण बुद्धि से ही विषयों में आसक्ति होती है। विषयेषु गुणाध्यासात, एकादश स्कंद में भगवान ने कहा, विषयों में आसक्ति गुण देखने से होती है। कोई चीज अच्छी लगती है तब जब हमने उसको अच्छा माना, जब हमने उसमें कोई गुण देखा। किसी चीज में जब गुण दिखता है तब वो अच्छी लगती है, और दोष दिखाई देने लग जाए तो वो भले ही अच्छी हो तो भी अच्छी लगेगी नहीं। विषय से यदि मन हटाना है तो उसके प्रति दोष बुद्धि हो जाए, निरंतर दोष का चिंतन होने लग जाए। ऋषभ देव जी महाराज पुत्रों को कहे हैं, विषयों के प्रति ऐसी विरक्ति तभी आ सकती है जब किसी विषय विरक्त महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाए। जिनका मन विषयों में नहीं है उनका अगर आश्रय प्राप्त हो जाए तो कोई बड़े से बड़ा विषयी भी हो तो विषय विमुक्त महापुरुष की शरण में जाएगा तो उसको विषयों से वैराग्य हो ही जाएगा। इसे महात्माओं ने कहा है, जाइए ना जहां तहां संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीख लागी है पे लागी है पे लागी है। घर बसे घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त पागी है पे पागी है। संग का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। 10 दिन कोई कायर व्यक्ति किसी शूरवीर के साथ बैठ जाए तो उसकी कायरता अपने आप कम होने लग जाती है, और 10 दिन अगर कोई शूर कायर के समूह में जाकर बैठने लग जाए तो उसका शौर्य भी धीरे धीरे चला जाता है और कायरता आ जाती है। संग हमेशा विशिष्ट जनों का करना चाहिए, विशिष्ट पुरुषों का।
और संग दो ही होते हैं, एक तो महत जनों का संग, ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते है तमो द्वारम योषताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवह सुरदह साधवो, ये दो संग हैं, एक विषयी का संग एक महजन का संग। विषय से भी ज्यादा बुरा है विषयी का संग, विषय से भी ज्यादा बुरा है। विषय में मन कब जाएगा, जब हमें किसी विषयी का संग मिल जाएगा। तो विषयी के संग से अब धीरे धीरे उसका संग करेंगे, फिर वो विषय की चर्चा करेगा, फिर वो धीरे धीरे विषय की महिमा कहेगा, फिर विषय से प्राप्त होने वाला सुख कहेगा। विषय से भी ज्यादा घातक है विषयी पुरुष का संग, बहुत घातक है। विषय से आदमी फिर भी विमुख हो सकता है, पर अगर विषयी का संग मिल गया तो वो विषय से विमुख भी नहीं हो सकता, कभी उसका मन भी वहां से हटेगा नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई दुर्व्यसन है, कुछ गलत खान पान का व्यसन है, तो महापुरुषों के आश्रय से या किन्हीं समझदार व्यक्तियों के संग से हो सकता है एक दिन वो दुर्व्यसन को छोड़ दे। पर दुर्व्यसन तो छूट गया, पर दुर्व्यसनी का संग अगर नहीं छूट रहा तो वह दुर्व्यसन छूट कर भी नहीं छूट पाएगा, वो दो चार दिन बाद फिर कहीं ना कहीं से लगेगा। इसलिए ऋषभदेव जी कह रहे हैं योषताम संगी संगम, विषय इतना बुरा नहीं है, विषयी का संग ज्यादा बुरा है। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम सोचें हम तो कुछ गलत खा पी नहीं रहे, हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे, पर जो गलत कुछ कर रहे हैं खा पी रहे हैं उनके साथ भी रहेंगे। गोस्वामी जी महाराज का पद है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। यहाँ तक महात्माओं ने कहा है जीवन में अग्नि जराओ लेके जल में बुड़ाओ भावे, सूली पे चढ़ाओ घोर गरल पेवाओ चाहे। सूली की सजा मिल जाए बढ़िया है, आग में जिंदा जला दिया जाए बढ़िया है, कोई जहर दे के मार दे बढ़िया है, पर भक्ति सो विमुखता को मुख ना दिखाए वे। भगवत भक्ति से जो विहीन है उसका मुख दर्शन भी बहुत बड़ा पातक है, बहुत बड़ा दोष है। तो महत सेवाम, दो द्वार ऋषभदेव जी कह रहे हैं, एक तो महत जनों का संग है और दूसरा द्वार विषयी जीवों का संग है। विषयी जीवों के संग का दरवाजा खोला तो सीधे नरक में प्रवेश होगा, और महत जनों के संग का दरवाजा खोला तो सीधे श्री ठाकुर जी के चरणों का द्वार खुलेगा, सीधे चरणों की प्राप्ति होगी। अब कैसे जाने कि कौन महत जन है, किनका संग करने योग्य है, यह कैसे जाने? तो ऋषभ देव जी महाराज ने कुछ गुण महत जनों के बताए हैं। ये वा मई से कृत सौहृदार्था जनेशु देहम भर वार्तिकेशु गृहेशु जायात्मज राति मत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्चलोके। ये वा मई से, जिन्होंने मुझे ईश्वर में ही कृत सौहृदार्था सब संबंध स्थापित कर लिए हैं, जिनका मैं ही सर्वस्व हूं, देहम भर नहीं है, पेट भरना ही उनका धर्म नहीं है। तो फिर संसारी लोग तो देहम भर होते हैं, दिन भर अपना कमाना फिर नौकरी करना इसी के लिए लगे रहना, तो मत जनों का लक्षण क्या होता है? क्या वे कमाते धमाते नहीं है? क्या सन्यासी होते हैं, विरक्त होते हैं? तो ऋषभदेव जी ने कहा नहीं नहीं, यावदर्थाश्चलोके, हो सकता है वो महापुरुष कोई सदगृहस्थ भी हो। महापुरुषों की कोई एक विशेष आश्रम नहीं है, उनकी कोई एक विशेष मुद्रा नहीं है, कोई विशेष उनका चिन्ह नहीं है। महापुरुष का मतलब न प्रीति युक्ता, संसार में जिसका राग नहीं है और संसार में रहते हुए भी संसारियों से केवल प्रयोजन मात्र संबंध रखता है, जितना मतलब है उतना ही संबंध, उससे ज्यादा नहीं।
बड़े बड़े सदग्रहस्थ भक्त भक्तमाल जी में तो देखें तो प्रायः ज्यादा से ज्यादा सब सदग्रस्त भक्तों की चर्चा है। आवश्यक नहीं कि वो यति धर्म में ही प्रतिष्ठित हों, वो सन्यासी हों, वो विरक्त वेशधारी हों, नहीं नहीं। चरतामृत में श्री पुंडरीक विद्यानिधि महाराज का चरित्र पढ़कर देखें तो उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि किस स्थिति के महापुरुष होंगे। पान सदा मुंह में चबाए रखते थे, सदा लालिमा ओष्ठ पर रहती थी, सुंदर पीठिका पर विराजते थे, सुनहले सिंहासन पर विराजते थे। बड़े बड़े महापुरुष उनकी स्थिति को जान नहीं सके, लेकिन जहां कृष्ण नाम सुन लें, जहां हरि नाम सुन लें, तो शरीर की अवस्था का स्मरण नहीं रहता, बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। ऐसे ऐसे चरित्र भक्तमाल जी में प्राप्त होते हैं, जहां सदग्रहस्थ भक्तों की चर्चा। कितने राजा भक्त हुए, आसकरण जी, महाराज जयमल जी, महाराज मधुकर शाह जी, कितने भक्त हुए, महाराज किशोरदास जी, जो राज्य वैभव के मध्य रहते हुए भी एक क्षण के लिए भी जिनकी चित्त की वृत्ति श्री ठाकुर जी से अलग होकर कुंठित नहीं हो पाती थी। तो साधुता वेशवाची शब्द नहीं है, साधुता हृदय का धर्म है। साधुता हृदय का धर्म है, साधुता वेश धर्म नहीं है कि हमने एक वस्त्र धारण कर लिया, एक मुद्रा धारण कर ली, एक चिन्ह धारण कर लिया, एक संप्रदाय के अनुगत हो गए, ये साधुता है। नहीं नहीं, साधुता तो हृदय का धर्म है। इसलिए जब जड़ भरत जी महाराज मिले हैं राजा रघुगण को, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक भाव कहा है, नमः शिशुभ्यो नमः वटुभ्यो ये ब्राह्मणा नाम अवधूत लिंगा, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यो। साधुता एक बालक के अंदर भी हो सकती है, नमः शिशुभ्यो उसको भी प्रणाम करो। साधुता एक युवक के अंदर भी हो सकती है, साधुता ज्ञानियों में वयोवृद्ध पुरुषों के अंदर भी हो सकती है। साधुता के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं है, साधुता के लिए शरीर अपेक्षित नहीं है। अब जिस समय रघुगण को जड़ भरत जी मिले हैं, तो वहां जड़ भरत जी ने कोई ऊर्ध्वपुंड तिलक नहीं धारण कर रखा है, जड़ भरत जी महाराज ने कोई वलकल काषाय वस्त्र नहीं धारण कर रखे हैं, जड़ भरत जी वहां कोई शास्त्र ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल जड़वत आचरण कर रहे हैं, लेकिन साधुता से उनकी पहचान हुई। इतना फटकारा, इतना अपमान किया, फिर भी जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई चित्त में क्षोभ नहीं। जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए राजा रघुगण, आप तो कोई पहुंचे हुए महापुरुष जान पड़ते हैं, आप हैं कौन? तो न प्रीति युक्ता यावद अर्थाश्चलोके, महापुरुष कौन? जिसका संसार में केवल प्रयोजन मात्र संबंध हो, बाकी संबंध सब भगवान से हो, संसार से केवल जितना मतलब है, जितना आवश्यक है उतना संबंध, उससे ज्यादा नहीं। संसार में आवश्यक संबंध रखने वाला ही महापुरुष है। भागवत जी में वैसे संतों के जगह जगह लक्षण कहे हैं, पर ऋषभदेव जी की तो परिभाषा ही कुछ विलक्षण है, बहुत ही अलग परिभाषा। संसार से प्रयोजन मात्र संबंध रखने वाला व्यक्ति ही महापुरुष है, वही महान पुरुष है। ऐसे मत जनों का आश्रय आप लोग ले लें। ऋषभदेव जी अपनी प्रजा को, पुत्रों को सिखा रहे हैं। उस उपदेश का प्रभाव यह हुआ, सबके सब 99 पुत्रों को, 9 पुत्र तो उनमें 9 योगेश्वर हो गए, 81 पुत्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त होकर भगवान को प्राप्त कर लिए, और सबसे बड़े पुत्र श्री जड़ भरत जी महाराज, भरत जी महाराज जिनके नाम पर अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करने गए हैं। और कथा प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, मृग शिशु की आसक्ति में फंस गए, मृग योनि में गए, फिर तीसरा जन्म विप्र पुत्र के रूप में हुआ, और वहाँ जड़ भरत जी महाराज का अनादर कुछ
हिंसक पुरुषों ने किया है उनको मारने के लिए चले हैं। जिस देवी के सामने बलिदान का संकल्प किया था, देवी इस अपराध को सह नहीं सकी, मूर्ति फोड़कर देवी का प्राकट्य हुआ, सब दुष्ट पुरुषों को समाप्त किया। और वहां लिखा है, न विक्रिया विश्व सुरित सखस्य साम्येन वीताभिमते तवापि महत विमाना स्वकृताद्धि मांद्रिं नंक्षंत्य दूराद अपि शूल पाणी है। वैष्णव का अपराध शंकर जी भी करेंगे तो उनका भी मंगल नहीं हो सकता है, इतना प्रबल अपराध है वैष्णव अपराध। जितने भी अपराध हैं उन सब अपराधों में सबसे प्रबल अपराध भक्त का अपराध है, वैष्णव का अपराध है। शंकर जी का भी क्षेम नहीं है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दुर्वासा जी और अम्बरीश जी का चरित्र। शंकर जी के ही अवतार हैं दुर्वासा जी, जब अम्बरीश जी का अपराध किए तो सारी त्रिलोकी, तो क्या भगवान भी नहीं रक्षा कर सके। वैष्णव अपराधी को सबसे बड़ी हानि यह होती है, जीवन भर साधन करने के बाद भी उसको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, भगवत प्रेम नहीं। वैष्णव अपराध से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जीवन में बहिर्मुखता आती चली जाएगी, बहिर्मुखता। प्रहलाद जी महाराज कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े भक्त। एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, सनकादिक मुनि उसी समय मिलने पहुंच गए। लोगों ने कहा, महाराज सनकादिक मुनि मिलना चाहते हैं। बोले, जाकर कह दो अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, हम थोड़ी सेवा पूजा अपना संपन्न करके फिर आकर मिल लेते हैं। तुरंत उठकर नहीं मिले, इतना सा वैष्णव अपराध प्रहलाद जी को लग गया। और अभी पूजा समाप्त नहीं हुई, पूजा करते करते हृदय के भावों में परिवर्तन होने लग गया। प्रहलाद जी सोचने लगे, अरे इसी मायावी विष्णु की मैं पूजा करता हूँ जिसने मेरे चाचा को मारा, कुल खानदान को मारा, इससे पूजा करनी चाहिए कि बढ़िया लड़कर इससे बदला लेना चाहिए, आज से इसकी पूजा नहीं करेंगे। सेवा करते करते बहिर्मुखता आ गई। कितनी उच्च स्थिति प्रहलाद जी महाराज की, जिनके लिए खंभे से नृसिंहावतार हो गया, और बहिर्मुखता, एक क्षण में बहिर्मुखता। अब इधर श्री ठाकुर जी वैकुंठ खाली करने लगे, नारद जी पहुंच गए, नाथ आप क्या कर रहे हैं? बोले, आपका जो चेला है ना लड़ने के लिए आ रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब हमने तो जिसे एक बार गोद में बिठा के लाड़ लड़ा दिया, हम तो लड़ नहीं सकते, वैकुंठ चाहिए तो पहले ही खाली कर देंगे। नारद जी बोले, अरे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, प्रहलाद जी तो आपके परम भक्त हैं, वे आपसे लड़ने कैसे आएंगे? अरे आपको नहीं भरोसा तो जाके देख लीजिए। तो नारद जी आए, नारद जी जैसे ही आए तो प्रहलाद जी ने उठकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुजनों के प्रति यदि श्रद्धा का भाव नष्ट न हो, श्रद्धा बनी रहे, तो जीवन में पतन हो भी जाए तो गुरुजन संभाल लेते हैं, समर्थ गुरुजन। सनकादिक मुनि का तो अपराध हो गया, पर नारद जी के प्रति अभी गुरु भाव था। नारद जी से पूछा, नारद जी ने पूछा, क्या कर रहे हो प्रहलाद? बोले, करेंगे क्या, इसी विष्णु ने हमारे पिता को मारा, चाचा को मारा, सब कुल खानदान से बैर करता है, इसकी पूजा करते करते हमारी बुद्धि खराब हो गई, अब थोड़ी सद्बुद्धि आई है, जाकर लड़ेंगे, बदला लेंगे। नारद जी बोले, अरे राम राम प्रहलाद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? 5 वर्ष की अवस्था में आपने पिता के इतने मृत्यु संकटों को सह लिया भगवत भक्ति के लिए, आपकी बुद्धि खराब कहाँ से हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं किसी वैष्णव का अपराध लग गया हो? अरे वैष्णव का अपराध कहाँ से लगेगा, हम किसी से मिले नहीं। अरे वैष्णव अपराध के लिए मिलने की भी जरूरत नहीं होती, वैष्णव अपराध तो सोचने मात्र से भी हो जाता है। तो गुरुदेव आज सनकादिक मुनि मिलने आए थे, उनसे हम मिल नहीं सके। नारद जी समझ गए, बस ये उसी का परिणाम है। बोले, जाइए आप सनकादिक मुनि से क्षमा मांगिए। प्रहलाद जी ने गुरु की आज्ञा से सनकादिक मुनि से क्षमा याचना की, और जैसे ही क्षमा याचना की तो हृदय के भाव फिर से बदल गए। अब मन में इतनी आत्मग्लानी हुई, इतना पश्चाताप, अरे राम राम भगवान से लड़ने जा रहे थे, उनसे युद्ध करने, ये कैसा विनाश, कैसा पतन हमारा हो गया। वैष्णव अपराध से सबसे बड़ी हानि बहिर्मुखता जीवन में आ जाएगी, और उस बहिर्मुखता को आदमी स्वयं नहीं जान पाएगा, समझता रहेगा हम ठीक कर रहे हैं, हम बढ़िया भजन कर रहे हैं, हमारा अपना भजन बढ़िया बन रहा है, हमें किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं,
पर ये सब भजन की बातें नहीं, ये सब बहिर्मुखता की बातें। बहिर्मुखता आ जाएगी और आप पहचान नहीं पाएंगे। ये भक्तापरा से बहुत बड़ा नुकसान होता, बहुत बड़ी हानि। इसलिए नंक्षंते दूरात अपि शूल पाणी, शंकर जी भी घबराते हैं। देवी ने उसी क्षण जितने वहां भक्त अपराधी थे, जड़ भरत जी को मारने के लिए संकल्पित, सबको समाप्त कर दिया। वे ही श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को आगे चलकर उपदेश दिए हैं। जिस समय जड़ भरत जी पालकी पर कहार बनकर चले हैं, मार्ग में जीव हत्या ना हो, कोई चींटी पैर से ना दबकर मरे, टेढ़ी मेढ़ी चाल से प्रकृति का सारी पालकी का संतुलन बिगड़ता और जड़ भरत जी महाराज को राजा रघुगण बार बार फटकार देते। जड़ भरत जी महाराज के मन में कोई विक्षिप्तता नहीं है, पर राजा रघुगण बार बार फटकारते फटकारते सोचने लगा, ये कोई महापुरुष तो नहीं जिनके अपराध से मैं अपनी हानि कर रहा हूँ। चरणों में गिर गया, महाराज आप मुझे कोई कल्याणात्मक उपदेश करें। तब जड़ भरत जी महाराज ने दो श्लोक कहे हैं राजा रघुगण को, बहुत दिव्य श्लोक। रघुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया निवृपणाद गृहाद्वा। रघुगण राजन,